यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ का पुस्तक एक जिसका कोड है HEN 101 और कोर्स कोड है HEN 101 ENG 203N। हिंदी भाषा का परिचय और उसकी संरचना। इकाई एक, हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। इन तीनों में क्या अंतर है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम भाषा जान लेते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को तथा भावों को दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं। वाणी का यह वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। मनुष्य से यह अपेक्षा होती है कि वह भाषा का उचित उपयोग करे। किसी एक भाषा का व्यवहार नित्य करने वाले समाज में वह भाषा सुनने वाले और बोलने वाले लोग ऐसा मान रहे हैं कि वे उस भाषा को ठीक ठीक जानते हैं। भाषा का उचित व्यवहार करने के लिए उनकी कार्य पद्धति का उसका स्वरूप जानने की आवश्यकता नहीं होती, पर यह सोच गलत है। भाषा सामाजिक संपर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होने के कारण उसके स्वरूप को तथा उसकी कार्य पद्धति को जान लेना हमेशा श्रेयस्कर होता है। भाषाओं के मुख्य 12 कुल हैं। इसमें से हमारा संबंध मुख्यतः भारत यूरोप कुल से है। इस कुल की भाषाएं संपूर्ण यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान तथा उत्तर भारत में फैली है। हम इन भाषाओं को ऐतिहासिक रूप की तथा विकास क्रम की चर्चा नहीं करेंगे। हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि आज की हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में गिनी जाती है और उसकी उत्पत्ति शहर सैनी अपभ्रंश भाषा में हुई है। हिंदी के दो मुख्य रूप है। पहला रूप है पश्चिमी हिंदी, जो मेरठ, बिजनौर के आसपास बोली जाती है। इसी पश्चिमी हिंदी का एक रूप आज की खड़ी बोली हिंदी, जिसका व्यवहार पूरे देश में होता है, आज हमारी राष्ट्रभाषा है। पश्चिमी हिंदी की उपभाषाएं ब्रज, बंगरू, कन्नौजी तथा बुंदेली है। दूसरा रूप है पूर्वी हिंदी कहलाती है। इसकी तीन उपभाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके अलावा भी लगभग 8 से 10 छोटी बड़ी बोलियां हिंदी क्षेत्र में प्रचलित हैं। अब हम हिंदी का उद्भव और विकास देखेंगे। हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से मानी जाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सिंधु को संस्कृत का नहीं वरन द्रविड़ का या अन्य किसी पूर्वीवर्ती भाषा का शब्द मानते हैं, जो बाद में संस्कृत में आया। सिंधु जैसी जैसा कि स्पष्ट है, सिंध नदी के आसपास के प्रदेश में प्रदेश को ही कहते होंगे। यह सिंधु ईरान में जाकर हिंदू फिर हिंद हो गया। धीरे धीरे हिंद शब्द का विस्तार हो गया और उसे पूरे भारत पर्याय बनाया गया। ईरान इक प्रत्यय लगने से हिंदी का हिंदिक बना, जिसका अर्थ था हिंद का। अंग्रेजी शब्द इंडिया इसी हिंदिक का पर्याय है। हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी शब्द का प्रयोग पहले उर्दू और हिंदी दो भाषाओं के लिए होता था। उर्दू में अरबी और फारसी शब्दों की बहुत आयात थी। इतना ही, वरना हिंदी और उर्दू एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। भाषा विज्ञान के पंडित आज भी दोनों भाषाओं को एक ही भाषा की शैली में जानते हैं। न उर्दू सिर्फ मुसलमानों की भाषा है, न हिंदी सिर्फ हिंदुओं की। अंग्रेजी की फूट नीति के कारण इन दो भाषाओं को अलग अलग दर्जा दिया गया। तत्वतः यह दोनों भाषाएं एक ही है। हिंदी भाषा के तीन अर्थ। पहला है, हिंदी अपने विशालतम अर्थ में हिंदी प्रदेश में व्यवहारत 17 बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। दूसरा, भाषा विज्ञान के दृष्टि से पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी ही हिंदी है। तीसरा, हिंदी का एक संक्षिप्त अर्थ है खड़ी बोली, साहित्यिक हिंदी, जो हिंदी प्रदेशों की सरकारी भाषा है, जिसका प्रयोग राजभाषा के रूप में तथा समाचार पत्र, सिनेमा आदि में होता है।
हिंदी प्रदेश में यह भाषा शिक्षा का माध्यम है तथा मानक या परिनिष्ठ हिंदी के नाम से जानी जाती है। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार हिंदी का एक क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां हैं। हिंदी का 1000 वर्षों का इतिहास आत्मा विकास 3 कालों में विभाजित है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास निरंतर हो रहा है। वह संसार की एक श्रेष्ठतम भाषाओं में गिनी जाती है। राष्ट्रभाषा व्याख्या, व्याप्ति और स्वरूप अब हम देखेंगे। जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता समझ बोल सकती हो तथा जो भाषा उस देश की संस्कृति की अभिव्यक्ति करने में समर्थ हो, वही भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा बनने के लिए किसी भी भाषा को 5 गुणों से गुजरना पड़ता है। वो पहला है, उसे सरकारी अधिकारी आसानी से सीख सके। दूसरा, वह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क के माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम हो। तीसरा है, वह अधिकांश भारतवासियों द्वारा बोली जाती हो। चौथा है, सारे देश का उसे सीखने में आसानी हो। और पांचवा और आखिरी है, ऐसी भाषा को चुनते समय आरजी या क्षणिक हितों पर ध्यान देना चाहिए। यह सारे गुण हिंदी भाषा में है। सामान्यतः लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा को एक ही समझते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राजभाषा केवल राजकाज कामलों में ही यूज़ की जाती है। जो राष्ट्रभाषा का उपयोग उससे अधिक विशाल क्षेत्र में माना जाता है। जैसे हमने देखा कि भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन सही अर्थ में राजभाषा तभी सिद्ध होगी जब केंद्र अपने सारे काम हिंदी में करने लगे और सभी क्षेत्र सरकारों केंद्रों के साथ अपना कारोबार हिंदी में ही होने लगे। भारत सरकार जब अन्य देशों के साथ अपना व्यवहार हिंदी में ही करेंगे, तब सही अर्थ में हिंदी राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी होगी। दूसरे, विभिन्न प्रांतों की विभिन्न भाषा भाषी जनता जब आपस में संपर्क के लिए हिंदी का ही उपयोग करेगी, तभी वह यथार्थ रूप में राष्ट्रभाषा बनेगी। राष्ट्रभाषा राष्ट्रीय सम्मान की प्रतीक होती है। हर राष्ट्र को अपनी पहचान के लिए उनकी भूमि, उनका संविधान, उनका झंडा और उनकी भाषा चाहिए। जिस तरह राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व और राष्ट्रीय ध्वज को हम सम्मान का स्थान देते हैं, वैसे ही सम्मान का स्थान राष्ट्रभाषा को भी देना चाहिए। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने राष्ट्रभाषा की व्याख्या करते हुए कहा है, जब कोई बोली आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है तथा पूरे राष्ट्र का या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग अवर्जनीय कामों आदि में होने लगता है, तो वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर मानी जाएगी। वस्तुतः ऐसी राष्ट्रभाषा का ही दूसरा नाम संपर्क भाषा होता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का सही सम्मान तभी प्राप्त होगा जब हमारे दिमाग पर चढ़ा अंग्रेजी भाषा की श्रेष्ठता का भूत उतर जाएगा और हम बजाय अंग्रेजी के हिंदी में बातचीत तथा भाषा व्यवहार करना गौरव की बात समझेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रभाषा और हिंदी का ही स्वरूप माना जाता था। अब हम देखेंगे राजभाषा, उसकी व्याख्या, व्याप्ति और स्वरूप। उस भाषा को राजभाषा कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो। शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क में काम आती है। राजभाषा के माध्यम से सभी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाएं राजकारोबार की भाषाएं थी। मुगल काल में अरबी और फारसी यहाँ की राजभाषाएं रहीं। अंग्रेज़ों के राज में यह स्थान अंग्रेजी भाषा ने ग्रहण किया।
भारत की स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय संविधान सभा में संघ सरकार की राजभाषा निश्चित करने का प्रश्न आया। बड़ी लंबी बहस के बाद 14 दिसंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार देवनागिरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा केंद्र शासित दिल्ली, इन 7 राज्यों की राजभाषा भी हिंदी ही है। भारत का संविधान 16 जनवरी 1950 को लागू हुआ और तभी से हिंदी विधिवत भारत संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा नीति का संविधान के अनुच्छेद 120(5), अनुच्छेद 210(6), अनुच्छेद 343, 344, 348, 351(17) में विस्तृत के उल्लेख किया गया है। हम संक्षेप में उसे समझ लेंगे। यह तो तय था कि देवनागिरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा रहेगी। पहले राज कारोबार में अंग्रेजी का उपयोग होता था और तुरंत अंग्रेजी को हटाकर वहां अंग्रेजी का उपयोग शुरू करना कोई कारणों से संभव नहीं था। अंततः यह तय किया गया कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष की अवधि तक, यहां 1965 तक अंग्रेजी ही राजभाषा के रूप में काम करती रहेगी और तब तक हिंदी का जानने समझ हिंदी सिखाकर प्रशासकीय कार्य करने में अपने आप को सक्षम बना लेंगे। लेकिन 1965 के आसपास कुछ अहिंदी भाषी लोग यह महसूस करने लगे कि उन्हें हिंदी भाषा के व्यवहार में अपेक्षित पारंगतता कभी प्राप्त नहीं हुई है और अगर 1965 से राज कारोबार में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ तो वह हिंदी भाषा उन पर थोपना होगा। अगस्त 1959 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकसभा में यह घोषणा की कि हिंदी भाषा अहिंदी लोगों पर नहीं थोपी जाएगी और जब तक अहिंदी भाषी लोग चाहेंगे तब तक हिंदी की आवश्यक अतिरिक्त भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। 1963 में राजभाषा अधिनियम बनाया गया। राजभाषा अधिनियम के मुख्य प्रावधान, प्रमुख प्रावधान। 1965 तक संघ के तथा संसद के कामों में जहां अंग्रेजी का उपयोग किया जाता था वहां 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा। यदि किसी राज्य ने हिंदी का स्वीकार न किया तो केंद्र सरकार उस राज्य के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी। हिंदी भाषी राज्य भी ऐसे राज्य के साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार करेगी यदि वो हिंदी में पत्र भेजते हैं, वो उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाएगा। केंद्र सरकार के संकल्प, नियम, अधिसूचना, रिपोर्ट, निविदा, आदेश, कागज पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होने चाहिए। केंद्र सरकार का कोई भी कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी में प्रवीण हो तो वह उसी भाषा में अपना काम कर सकता है। दोनों भाषाएं उसे नहीं आती इसीलिए उसका अहित नहीं होगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार न करने वाले सभी राज्यों को विधानमंडल अंग्रेजी का प्रयोग बंद करने का प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे और उसे संसद भी पारित नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजी का प्रयोग यथावत जारी रहेगा। राष्ट्रपति की सहमति से किसी राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि हिंदी अथवा राज्य भाषा में दिए जा सकते हैं किंतु उनका अंग्रेजी अनुवाद भी देना पड़ेगा। राजभाषा अधिनियम के कारण संघ के राजकाज में हिंदी का यथोचित स्थान रहा पर अंग्रेजी भी अनिवार्य रूप से रही।
राजभाषा नियम 1976। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़े इसीलिए 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए। इस नियमों के कारण हिंदी के प्रयोग में काफ़ी सहायता मिली। हम लोग इस नियम की प्रमुख बातें देखेंगे। केंद्र सरकार के कार्यालयों के को क्षेत्र के लिए राज्य व संघ राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को या ऐसे राज्यों में स्थित किया अन्य कार्यालय या व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएंगे। यदि किसी खास मामलों में कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिंदी अनुवाद भी साथ में भेजा जाएगा। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन राज्यों में सामान्यतः हिंदी में पत्र भेजे जाएंगे क्योंकि ये हिंदी भाषी राज्यों के पड़ोसी हैं। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बंगाल, उड़ीसा, आसाम के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाएंगे। यदि कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ भेजा जाएगा। हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्र सरकार के कार्यालय से हिंदी में ही दिए जाएंगे। प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि वह राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों का समुचित रूप से पालन करेगा। संपर्क भाषा व्याख्या, व्याप्ति और स्वरूप। जिस भाषा के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ नित्य संपर्क स्थापित करते हैं उस भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। भारत बहुभाषी देश है। भारतीय संस्कृति लगभग 5000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। इतने दीर्घ काल में यहाँ कितने ही धर्म, पंथ, जातियाँ, उप संस्कृतियाँ, विविध भाषिक समूह निर्माण हुए और एक दूसरे में घुल मिल गए। भारत की यह समन्वित संस्कृति ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस महादेश में लगभग 1200 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में 17 श्रेष्ठ साहित्यिक भाषाएं हैं। इतने बहुभाषिक देश में सभी लोग परस्पर व्यवहार ठीक ढंग से कर सके इसीलिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में कभी संस्कृत ने तथा पाली प्राकृत भाषा ने संपर्क भाषा का कार्य किया था। इन भाषाओं का उपयोग जैसे जैसे सीमित होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे हिंदी ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। दक्षिण भारतीय संतों ने, जिनमें वल्लभाचार्य, विठ्ठलनाथ, रामानुज, रामानंद इत्यादि थे, हिंदी के माध्यम से ही उनका संदेश पूरे देश में प्रसारित करते थे। मध्य युग के भक्ति आंदोलन में लगभग हर प्रांत के भक्तों ने हिंदी को अपनाया। महाराष्ट्र के नामदेव, गुजरात के स्वामी दयानंद, नरसी मेहता, राजस्थान के दादू दयाल मीरा, पंजाब के गुरु नानक, असम के शंकर देव और असंख्य संतों, भक्तों और सिद्धों और नाथों ने हिंदी को भी अपनाया। पूरे मध्यकाल में हिंदी सभी स्तरों पर एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती रही थी। राज कारोबार में इसका अरबी फारसी शब्दों से संयुक्त रूप उर्दू का प्रयोग होता था। स्वतंत्रता संग्राम में तो हिंदी भाषा ने ही इस महादेश को एक सूत्र में बांधा था। स्वतंत्रता आंदोलन में तमाम सेनानियों ने हिंदी के माध्यम से ही अपनी भाषाएं देश को कोने कोने तक पहुंचाई थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आचार्य क्षिति मोहन सेन, आचार्य विनोबा भावे आदि सारे दिग्गज नेताओं ने हिंदी भाषा को ही अपने विचार का वाहन का प्रमुख माध्यम माना। देश के एक कोने से दूसरे कोने तक व्यापार के
निमित्त यात्रा करने वाले प्रवासी इसी भाषा के व्यवहार करते थे। दक्कन के तथा महाराष्ट्र के कितने ही राज दरबारों में हिंदी का प्रयोग होता था। दक्कनी हिंदी और उर्दू दोनों हिंदी में रूप है। सो अपनी विविध बोलियों के साथ हिंदी पूरे भारत में एक संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित थी और आज भी है। वैसे हमारे देश की सभी महान भाषाएं अपने अपने स्तर पर विकसित हो रही हैं, पर इन सभी को एक सूत्र में जोड़ने का काम हिंदी को करना है। वही संपर्क भाषा की भूमिका बखूबी निभा सकती है। अब विदेशी में भी हिंदी को पठन पठन की व्यवस्था है। विश्व के कई विश्वालयों में हिंदी को स्वतंत्र विभाग है। हमारे विदेशी दूतावासों में हिंदी का प्रयोग होता है। चीनी के बाद हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो विश्व में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। यूनो अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी की व्यापकता और उसके महत्व को स्वीकृति दी है। अतः हिंदी अब न केवल भारत की वरन पूरे विश्व की संपर्क भाषा बनने की दृष्टि से विकसित हो रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।